फ्रेंड्स, अब हमारी टीम रेडी है चलने के लिए आगरा के लिए, और आज हम देखेंगे ताजमहल आगरा का, और आप हमारे साथ रहें और आखिर तक वीडियो में बने रहें ताकि आगरा का आनंद ले सकें, ताजमहल का आनंद ले सकें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम हैं अभी लखनऊ में, अपनी दीदी के घर पे हूँ मैं। हम लोग आगरा के लिए निकल रहे हैं और आज निकल रहे हैं आगरा के लिए। आप घुमाएंगे आगरा और दिखाएंगे ताजमहल। ये है रोबिन भाई जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। सब लोग रेडी हैं, आके बैठ गए अपने सीट्स पे। दादा कितने डिपॉजिट होने वाले हैं? हां, मैं तो सिर्फ लगे खा रहा हूं। आप बोल लिए, आप लोग आलमबाग से जाएंगे आगरा एक्सप्रेसवे के लिए। आगरा एक्सप्रेसवे से होते हुए कन्नौज मैनपुरी इटावा होते हुए हम आगरा के लिए जाएंगे। करीबन 350 किलोमीटर का सफर, सफर को तय करने में हमें 4 से 4.5 घंटे लगेंगे। उसके बाद हम आगरा देखेंगे, शायद घर से रात को उदय पुष्टि हुई, आगरा में पुष्टि के देखने के बाद हम वापस। ये आज का प्लान है। देखिए गौतम बुद्ध साहब की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं अंदर, ये भी अगर कहेंगे माया जी का बनवाया हुआ है। क्या मतलब गौतम बुद्ध पार्क नहीं, बौद्ध विहार कहते हैं, तो वो विहार में शांतिपुर कहते हैं। ये हमारे की नगर है, ये आलमबाग चौराहा कहलाता है। इस चौराहे को पार करेंगे, अभी संडे की सुविधा है, इससे ट्रैफिक बहुत कम है, वरना यहाँ पर 2 या 3 बार नहीं लोग पार कर पाते हैं। सबसे हमारा इसी चौराहा काशी राम चौराहा, काशी राम चौराहा होता है बेसिकली। ये आया हमारा आलमबाग चौराहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका जिसका जिसका जब भी मन कर रहा है वो लोग जरूर जा सकते हैं। लखनऊ हमारा बड़ा अच्छा, ट्रैफिक के नाम पे सब लोग अपने देख दूसरे को बजाते हुए चलते रहते हैं। ट्रैफिक रूल्स की कोई फॉलो नहीं है, सबका अपना अपना रूल है। योगी है तो मुमकिन है, कोई कहीं से भी चल सकता है। अभी हम लोग चल दिया आगे, ये रास्ता आगे जाके तो बांट देता है। ये हमारा चला जाता है आगरा होते हुए दिल्ली, एक जाता है सीतापुर बरेली मुरादाबाद। अभी क्या टाइम हुआ? अभी 7:17 सुबह के बज रहे हैं, 7:17, और अभी हम लखनऊ से निकल रहे हैं टू आगरा। लखनऊ टू आगरा, ये हम लोग देखे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के जंक्शन पे हैं। और ये रास्ता हमको 11 से 5 किलोमीटर के आगे हमारा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे शुरू हो जाएगा। ये भी VIP रोड है, बगल में आप देख रहे हैं नहर जा रही है, ये नहर हमारी ऊपरी नदी की है, और ये यहाँ से जाके अपने सुल्तानपुर रोड तक जाती है। स्वागत है, ये हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है जो आगरा और लखनऊ को जोड़ता है, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। ये रास्ता कुल मिला के 350 किलोमीटर का है, और हमारे पूरे इंडिया के अंदर एक्सप्रेस वे इतना लंबा कोई भी एक नहीं है। यही आज एक्सप्रेस वे दिल्ली के लिए लखनऊ को
जुड़ता है जो आगे जाके आगरा से यमुना एक्सप्रेस वे में मिल जाता है और दोनों मिलके 500 किलोमीटर का एक सबसे लंबा स्ट्रेट बनाते हैं जो यूपी की राजधानी को दिल्ली से जोड़ता है। कैमरामैन अनिल के साथ देख रहा है नो रिपीट पीछे क्लेरा, ये हमारे आज के टूर के एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट क्लेरा बेटा जो आपको सारी जानकारी दे रहे हैं, तो इनका बहुत बहुत थैंक्स हमारे चैनल की तरफ से अनिल नेचर बुक। ये हमारा लखनऊ एक्सप्रेस वे शुरू हुआ जो लखनऊ को आगरा से जोड़ता है। बाकी तो अपने बोर्ड देख के चलो, तो बोर्ड आएंगे अभी तो यहाँ से निकलेंगे तो चारों मिल के जब फोर लेन बनाएगी तब आएगा एक्सप्रेस वे, अभी तो टू लेन कर रहे हैं, ये एंटर कर रहे हैं और एक्सप्रेस वे यहाँ से शुरू होता है। ये और ये एक्सप्रेस वे ये अब शुरू हो गया है एक्सप्रेस वे लखनऊ टू आगरा, इसमें 100 की रफ्तार से चलना बना है और ये हमारे देश का इकलौता एक्सप्रेस वे जिसपे टू व्हीलर अलाउड है और दिन में अलाउड है, सवेरे 5 बजे के बाद से शाम के 7 बजे तक इसमें एंट्री है टू व्हीलर की, शाम के 7 बजे से इसमें टू व्हीलर की एंट्री नहीं होती है। इस एक्सप्रेस वे पे मिनिमम और मैक्सिमम मिला के रफ्तार जो है आपको सामने दिख रही है 80 और 100 के बीच चल रहा होता है। गुड, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये फ्लाईओवर सा, ये हमारा किसान विकास पथ बन रहा है जो कि लखनऊ के पूरे सराउंडिंग में बन रहा है ताकि जो ट्रैफिक हमारे लखनऊ के अंदर ट्रांसपोर्ट का आता है वो ना आए और इधर से ही ऊपर से ट्रांसफर हो जाए बाहर के एक्सप्रेस वे पे। राज भाई इतनी सारी जानकारी देने के लिए, तो आप सब जुड़े रहे हमारे साथ और फिर हम मिलेंगे, हम लखनऊ जाकर लखनऊ से आगरा जाकर आपको मिलेंगे और ताजमहल दिखाएंगे। जो लोग ताजमहल देखना चाहते हैं वीडियो में आखिर तक जुड़े रहे। यहाँ से सिर्फ ताजमहल रह गया है 80 मीटर, सिर्फ 80 मीटर यहाँ से दूर है ताजमहल, काफी पास हम ताजमहल के पहुंच गए।
छोटी गाड़ियां यहाँ पे चल रही हैं, 20 रुपीज पर पर्सन है इस गाड़ी में। तो ये हमें ताजमहल के पास ले जाके छोड़ेगी यहाँ से, आगे क्योंकि अपनी गाड़ी से जा नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे गाड़ियाँ अरेंज की गई हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, ताकि इसमें बैठ के लोग ताजमहल तक पहुँच सके। इसका 20 रुपीज पर पर्सन। ये बैठ गए हम इस गाड़ी में जिसमें 20 रुपीज पर पर्सन है, और ये हमें लेके जाएंगे ताजमहल के पास, वहाँ फिर हमें एंट्री करवानी है, अपनी टिकट लेना है वहाँ का, और फिर हम घूम सकेंगे। 5 लोग हैं जी, 100 रुपये पूछ रहे हैं हम से, 100 रुपये लेना है ना। ये है टिकट विंडो, और दीपराज भाई गए हैं टिकट लेने आगरा घूमने के लिए, ताजमहल घूमने के लिए टिकट की जरूरत है। ये देख सकते हैं यहाँ पे चार्जेस लिखते हैं।